हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी। तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए 200 ग्राम चना हम ले लिए हैं। चना को 5-6 घंटा पहले भिगा दिए थे और इसको अब बारीक पीस लेंगे। चना को हम पीस लिए हैं। अब इसमें हम 4 आलू बारीक कटा हुआ ये डाल देंगे। इसमें 4 कटा हुआ प्याज बारीक, देखिए लंबे लंबे साइज का काटे हैं, ये भी डाल देंगे। इसी में 5 कटा हुआ हरी मिर्च बारीक लंबा लंबा, देखिए ये भी डाल देंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और इसी में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार अपना डाल सकते हैं। अब सबको साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से दबा दबा कर कस कस के इसको मिस मिस कर मिक्स करना है ताकि आलू प्याज में चना अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से दोस्तों इसको मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही अच्छा बनेगा रेसिपी इसका। अब ये मिक्स हो चुका है। इधर हम कढ़ाई में सरसों तेल गरम कर लिए हैं। अब इसको हम तेल में ऐसे फैलाते हुए डालेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे। अब इसको दोनों तरफ से पलट लेंगे, कुड़कुड़ा कर लेंगे। जब ये पक जाएगा तो तेल से बुलबुला आना बंद हो जाएगा, तभी हम इसको निकालेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये भाजी जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब हम कटलेट बनाएंगे। देखिए इस शेप में ऐसे कर कर कटलेट के जैसा इसको बनाएंगे। ऐसे इसको भी पलट कर दोनों तरफ से कुड़कुड़ा बना लेंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे। अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह कुछ कटलेट बना लेंगे और कुछ भजिया बना लेंगे, तब आपको दिखाएंगे आगे। तो देखिए दोस्तों, बरसात स्पेशल कुरकुरे चटपटी बनकर रेसिपी तैयार हो गया है। इसको आप चाहिए तो भजिया बना कर भी खा सकते हैं और आपका मन करे तो आप इसको कटलेट बनाकर भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। इस भजिया को आप लइया में मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग बारिश में लुत्फ़ उठाइए कटलेट का और भजिया का, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।